हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला किचन में आपका स्वागत है। आइए, मैं आज बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं, मैं बैंगन को ली हूँ। बैंगन को मैं तेल से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब टमाटर को भी मैं तेल से ग्रीस कर ले रही हूँ। ये टमाटर को मैं ग्रीस कर ली हूँ तेल से, अच्छे से इसको ग्रीस कर ले रही हूँ। ग्रीस हो चुका है। अब मैं गैस को जलाऊंगी, इस पर स्टैंड रखूंगी। अब इस पर बैंगन को रख दे रही हूँ। ये देखिए, बैंगन को रख दी हूँ। अब उलट पलट कर बैंगन को भी इस भून ले रही हूँ। इस पर टमाटर को भी रख दी हूँ। देखिए, दोनों साइड से इसको भून ले रही हूँ। देखिए, बैंगन भुना चुका है, इसको निकाल ले रही हूँ थाली में। इस पर टमाटर भी रख के दो और भून ले रही हूँ। देखिए, इसको भी पलट पलट के भून ले रही हूँ। टमाटर मेरा भुना चुका है, इसको भी निकाल ले रही हूँ। देखिए, अब मैं बैंगन का छिलका उतार ले रही हूँ। देखिए, कितने आसानी से बैंगन का छिलका उतर गया सब। बैंगन का छिलका सब उतर गया है। इसको मैं एक बाउल में रख के देखिए मैश कर ले रही हूँ इसको। टमाटर को भी इसी में डाल के मैश कर ले रही हूँ। गैस चलाऊंगी, इस पर कढ़ाइया रखूंगी। इसमें सरसों का तेल डालूंगी, इसमें एक चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा को थोड़ा पकने दूंगी। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज को मैं भून ले रही हूँ। प्याज मेरा भुना चुका है। इसमें मैं एक चम्मच लाल मिर्चा डालूंगी, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी। देखिए, अच्छे से मसाला छोड़ चुका है। इसमें मैं बैंगन को डालूंगी जो मैश करके रखी थी। देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा पानी डाल के मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी इसमें। पक गया है मेरा अच्छे से मसाला। और एक चम्मच में स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और धनिया की पत्ती डालूंगी। इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए बंद कर दे रही हूँ, ढक दे रही हूँ। देखिए, मेरा बैंगन का भरता तैयार है, हो चुका है। देखिए, बैंगन का भरता मेरा तैयार है। वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।